उत्तराखंड सरकार द्वारा छुट्टियों में कटौती किए जाने के विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी करते हुए डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें बजरंग दल के संयोजक विकास वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा छुट्टियों को रद्द करने का फैसला पूरी तरह गलत है। वहीं उन्होंने फैसला हिंदू समाज के खिलाफ बताया। देखिए, आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुसंख्यक हिंदी समाज के लिए जो ये छुट्टियां निरस्त की गई हैं, कहीं ना कहीं उनके जो त्यौहार हैं उन पर प्रतिघात करने का प्रहार हुआ है, बहुत बड़ा। और इसके लिए हम बहुत चिंतनीय है, क्योंकि हमारा जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, वो सदैव हिंदू समाज के लिए अग्रसर रहा है। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग आहत हैं कि जो 5 छुट्टियाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा निरस्त की गई हैं, उसमें कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो महिलाओं को स्वावलंबन से संबंधित है, उनके आत्मसम्मान से संबंधित है और भाई बहनों का जो प्रेम है उससे संबंधित है। उन त्यौहारों पर प्रतिघात सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भाई बहन के एक रिश्ते को प्रगाढ़ करने का एक तत्व छुपा है, जहाँ की राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा उसमें प्रोत्साहन देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तक फ्री कर दिया जाता है रक्षाबंधन और भैया दूज के पर्व पर। और कहाँ तो एक तरफ वो महिलाओं के स्वाभिमान से संबंधित इस तरह के वो पास करते हैं, और कहाँ उनके विधेयक चोट करने के लिए ये छुट्टियां रद्द करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।